Hello student, today I am going to discuss about Kolbe reaction. So first of all student, Kolbe reaction को पढ़ने से पहले कुछ बातों को जानना ज़रूरी है, जैसे कि Kolbe reaction एक name reaction है and ये reaction alcohol phenol ether chapter से लिया गया है. So first of all student, Kolbe reaction को discuss करते हैं and इसके reaction को समझते हैं, उसके बाद इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म को जानना ज़रूरी है ताकि हम रिएक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ और इजीली टैकल कर पाएँ. सो स्टूडेंट, चूँकि हमें पता है फिनॉल एक एसिडिक नेचर शो करता है एंड फिनॉल का रिएक्शन अगर बेस के साथ करा दिया जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और जैसे ही हाइड्रोजन फिनॉल से रिमूव होगा ये एक फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाएगा एंड उसके बाद सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन बेटा कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिड के साथ करा दिया जाता है, तो हमें सैलिसैलिक एसिड यानी 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट आपको मिलता है. सो चलिए अब इसके मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं. सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, और फिनॉक्साइड आयन, चूंकि हमें यहां पता है अगर मैं फिनॉल की बात करूं बेटा तो फिनॉल एसिडिक नेचर शो करता है एंड कोई बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही हाइड्रोजन पे अटैक करेगा यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा, मींस प्रोटोनेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, और हाइड्रोजन के निकलते ही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा फिनॉक्साइड आयन. ओके, सो फिनॉक्साइड आयन आने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, यानी इस ऑक्सीजन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है. टिप चार्ज होने पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में होता है एंड ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा आगे की तरफ इस कार्बन एटम को, एंड जैसे ही इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा यहां से ये अपना इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन को शिफ्ट कर देगा. उसके बाद यहां पर डेवलप होगा ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एंड इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. उसके बाद बेटा हमारे पास रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपको पता है लीनियर होता है एंड जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा कार्बन का डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा एंड ये इस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा. क्लियर? उसके बाद बेटा आपको देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा सारे मैकेनिज्म, सारी चीजें क्लियर कर लीजिएगा. ये कार्बन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बेटा बॉन्ड बन जाएगा, एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, और जैसे ही बॉन्ड डेवलप होगा तो इसका स्ट्रक्चर, इसकी लुकिंग कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगी. यहां कार्बन के बीच में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और चूंकि ये बॉन्ड आपका शिफ्ट हो चुका है तो यहां पर सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज के साथ और यहां पर डबल बॉन्ड. ये बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी, और ये हम सभी को पता है बेटा कि जितने भी कार्बन होते हैं उन सभी के पास हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है ना. यहां पर भी हाइड्रोजन है, सबके पास हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है. अब चूंकि यहां पर इसकी एरोमेटिसिटी कंप्लीट नहीं है, अब एरोमेटिसिटी को कंप्लीट करने के लिए यहां पर क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होते ही आपको देखेगा कि इसकी एरोमेटिसिटी दोबारा से आ चुकी है और यहां पर OH बॉन्ड बन जाएगा फिनॉल. एंड इस कार्बन से जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड यहां पर
ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर उसके बाद सेकेंड प्रोसेस, जैसा कि हमें पता है, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस होगा। एसिड हाइड्रोलिसिस में यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है इसके साथ H प्लस जाके जुड़ जाएगा और फाइनली जो मेरे पास प्रोडक्ट बन के आएगा वो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? सैलिसिलिक एसिड। एंड दिस प्रोडक्ट ऑल्सो नोन एज टू हाइड्रोक्सी जोइक एसिड। ओके